शिवपुरी जिले में कोरोना डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुई थी 4 लोगों की मौत। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल से हुआ खुलासा। शिवपुरी के सीएमएचओ डॉक्टर एएल शर्मा के अनुसार डेल्टा वेरिएंट की वजह से शिवपुरी में 4 मरीजों की मौत हुई थी, जिसमें अजाक थाने के हवलदार प्रेम नारायण द्विवेदी, पिछोर के शिक्षक सुरेंद्र शर्मा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिक्षक विनय चतुर्वेदी और सूरज पाल की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि यह वेरिएंट इसलिए घातक है क्योंकि यह 3 दिन में ही गले से फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जबकि सामान्य वायरस को गले से फेफड़ों तक पहुंचने में 7 दिन का वक्त लगता है। इसके अलावा संपर्क में आने वालों को भी गंभीर बीमार करता है। जिन लोगों में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है वे कहीं न कहीं बाहर से संक्रमित हुए हैं। इस वेरिएंट में 2 गज की दूरी भी प्रभावी नहीं है। तो मामला सामने आया है कि 4 अपने यहाँ डेल्टा प्लस के केस और 1 यूके वेरिएंट का केस निकला है, तो ये कब की रिपोर्ट है सर और क्या कुछ मामला है? नहीं, प्लस का नहीं है, डेल्टा वेरिएंट है जी। प्लस का नहीं है, प्लस का तो आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा, उसको गहन इन्वेस्टिगेशन होता है जी। डेल्टा वेरिएंट है जो कि भारत में चल रहा है, भारत में इन्फेक्शन हो रहा है, उसी के कारण ये एक जांच कराई थी, क्योंकि दूसरी लहर में बहुत सारे लोग संक्रमित हुए थे, मृत्यु का आंकड़ा भी अधिक था, तो इसकी जांच कराई गई थी। तो उसमें ऐसा पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट के लक्षण मिले, इसके कारण जो है हमें प्रोटोकॉल का ज्यादा ध्यान रखना है और वैक्सीनेशन कराना है, जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। सर, इसमें जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये जो 4 केसों की जो रिपोर्ट आई है डेल्टा की, तो 4 लोगों की 2 डोज लग चुके थे? नहीं नहीं, ये कहना सही नहीं है। सिर्फ एक प्रेम नारायण जी के लगा था, जो फ्रंटलाइन वर्कर थे प्रेम नारायण द्विवेदी, उनको लगा था, वो भी जो है 1 ही डोज लगा था या 2 लगे थे ये अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाकी विनय चतुर्वेदी वगैरह किसी को डोज नहीं है। अच्छा सर, और ये यूके वेरिएंट का भी इसमें रिपोर्ट में है? मुझे पता नहीं है जी। नहीं, जो रिपोर्ट आपकी आई है उसमें 1 यूके वेरिएंट का भी नंबर है, आपके पास ही तो आई है रिपोर्ट? नहीं, मुझे लेकिन देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता यूके वेरिएंट क्या है, लैब से पता करना।